दोस्तों क्या होगा अगर अमेरिका की घड़ी को चाइना की घड़ी को और इंडिया की घड़ी को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते, ये तो हम सभी जानते हैं। घड़ी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अमेरिका की घड़ी, चाइना की घड़ी और इंडिया की घड़ी में से कौन सी घड़ी मजबूत है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अमेरिका की घड़ी को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं। वैसे अमेरिका की घड़ी महंगी आती है और दोस्तों जैसे हाइड्रोलिक प्रेस की वजन अमेरिका की घड़ी पे पड़ती है तो अमेरिका की घड़ी टूटने लगती है और लगभग 315 किलोग्राम वजन पड़ते घड़ी पूरी तरह से टूट जाती है। अब चलिए चाइना की घड़ी को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं। हालांकि चाइना की घड़ी से ज्यादा उम्मीद तो नहीं है और दोस्तों वही बात हुई, चाइना की घड़ी मात्र 157 किलोग्राम वजन में ही टूट जाती है। अब चलिए इंडिया की घड़ी को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं। उससे पहले अगर आप इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में वंदे मातरम लिख दें। दोस्तों इंडिया की घड़ी पे हाइड्रोलिक प्रेस की वजन पड़ती है तो 482 किलोग्राम वजन पड़ने के बाद भी घड़ी बहुत मुश्किल से टूटती है।